साउथ की लोकप्रिय अभिनेत्री समंथा रुथ प्रभु ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बताया कि वो मायोसाइटिस नाम की बीमारी से पीड़ित हैं। समंथा ने अपनी आने वाली फिल्म यशोदा के ट्रेलर को मिली प्रतिक्रिया के लिए अपने फैंस को शुक्रिया करते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी बीमारी के बारे में बताया। उन्होंने अस्पताल की एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, कुछ महीने पहले मुझे मायोसाइटिस नामक एक ऑटो इम्यून बीमारी का पता चला था। मैं इससे छुटकारा पाने के बाद इस बारे में जानकारी साझा करने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन इसमें मेरी अपेक्षा से थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिसे मायोसाइटिस के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी, तो इस वीडियो में हम आपको इस बीमारी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं। दरअसल मायोसाइटिस एक ऑटो इम्यून बीमारी है। इसमें बॉडी का इम्यून सिस्टम ही मांसपेशियों के हेल्दी सेल्स पर अटैक कर देता है। इसे रेयर डिजीज की श्रेणी में रखा जाता है। बहुत से मामलों में इसके होने के कारणों का सही पता नहीं लग पाता। इसके पीछे होने की वजह कोई संक्रमण और या कोई इंजरी भी हो सकती है। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि इसके होने का कारण रियोमेटॉइड आर्थराइटिस और लूपस नाम की ऑटो इम्यून बीमारी हो सकती है। साथ ही इस बीमारी की वजह कॉमन कोल्ड और HIV जैसे वायरस या किसी दवा का साइड इफेक्ट्स भी हो सकता है। आपको बता दें कि मायोसाइटिस में मांसपेशियां अधिक प्रभावित होती है। बीमारी के दौरान दर्द, थकान, खाने पीने में समस्या, सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण नजर आते हैं। पुरुष के मुकाबले इस बीमारी से महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं। इस डिजीज की कोई स्पेशल दवा नहीं है, लेकिन डॉक्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स नामक दवा प्रिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि एक ऑटो इम्यून बीमारी है, इसलिए इसे ठीक करने के लिए इम्यून सिस्टम को मजबूत करने वाली दवाएं दी जाती हैं। साथ ही फिजिकल थेरेपी, योग करने की सलाह भी दी जाती है। तो ये थी मायोसाइटिस से जुड़ी कुछ जरूरी बातें। इस वीडियो में दी गई जानकारी सामान्य जानकारी है। किसी दवा या खान पान को अपनाने से पहले या कोई भी सिम्टम नजर आने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में इतना ही। लाइफस्टाइल, फिटनेस और हेल्थ से जुड़ी खबरों के लिए अभी हमारे चैनल MGB Digital India को सब्सक्राइब करें।